तो हेलो गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप लोगों को स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। देवकुंड से निकलने के बाद मुझे और एक प्लेस भी जाना था। जैसे कि देख सकते हैं, मैं निकल चुका हूँ और एक प्लेस की खोज में। लेकिन इधर का रास्ता इतना खराब था, दिमाग पूरा हिला के रख दिया मेरा। लेकिन जो भी बोलो, रास्ते के सफर में सुंदर सुंदर जगह देखने मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं, मुझे अच्छे से रास्ता पता नहीं था, लेकिन मैं अंकल जी से पूछ पूछ के आगे जा रहा था। हम काफ्ती पौधा से 25 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं और जो हम अभी जा रहे हैं डैम, वो इसी रास्ते पे है। और इधर रास्ता इतना खराब है, बाइक और कार लेके आने से तकलीफ होता है, रोड बहुत खराब है। ये जो डैम है, इसका रास्ता गांव के अंदर से ही पड़ता है। बहुत टाइम से ट्रैवलिंग करते करते फाइनली हम आके पहुंच गए सुनेई डैम। ये जो डैम है, इसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। बहुत जन को पूछताछ करने के बाद फाइनली ये जगह आके मैं पहुंचा। डैम पहुंचने के बाद मैं डैम के ऊपर गाड़ी चलाने लग गया, लेकिन डैम इतना लंबा था, डैम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बहुत समय ट्रैवलिंग करने के बाद तो फाइनली हम आके पहुंच गए सुनेई डैम। ये इतना बड़ा डैम है, ये देख सकते हैं मेरा पीछे इतना बड़ा व्यू है। ये बहुत बड़ा डैम है। इसका जो डैम का जो रास्ता है वो लगभग 5 किलोमीटर के अंदर होगा। इधर से दूर दूर तक, बहुत दूर तक पानी ही पानी है। अभी पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत पानी था, इतना सारा पानी था। मैं आया नहीं कभी, लोगों के वीडियो में देखा हूँ। डैम का ये एक गेट है और दूसरा गेट बहुत दूर है जो साइड से हम आए, और ये एक खाली की तरह गया है, वो गांव की तरफ गया है। खेती करने के लिए जो पानी होता है वो पानी जा रहा है। और इधर से गरीब बैठे हैं की गो भिक्षांग देही माही मांगो, हाथापाई नहीं करने का। आज पूरा ब्लॉग में पूरा झगड़ा कर रहे हो खाली पीली, ठीक है? मैंने कुछ किया ही नहीं, ये मेरे साथ आके झगड़ा कर रहे। चलो 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 चलो, दुपट्टा तो मैं काले पड़ गई हूँ तो दो ना ना दो ना ना दोगे ये ला ये ला ये ला रंगीन ड्रोन होता तो मैं आपको ये चीज दिखाता। उधर उड़िया में लिखा है सुनेई बंध, जो ये सुनेई डैम का नाम है वो उड़िया में लिखा हुआ है। ये ओडिशा में हर डैम पे लिखा रहता है, हर जिस जिस डैम पे आप जाओगे वो उड़िया में नाम लिखा होगा। और ये देख सकते हैं पूरा साइड, पूरा डैम का पूरा व्यू देख सकते हैं। बहुत बड़ा डैम है, लेकिन जो भी बोलो। तो खाने के लिए क्यों दे रहे हो तुम खाली पीली? खा क्यों? अरे मत दो ना उसको, आटा सोला करते पड़े। वो तुमको खाने के लिए देगा क्या? तुम जो उसको दे रहे हो खाक है खाक। अरे तुम दे रहे हो तो एक बात उसको बोलो, तुझे खाने के लिए दे रहा हूँ लेकिन मैं तुझे खाऊंगा। एक कुरकुरी पूरा दे दिए। तुम जो लाए हो तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारा सेहत कम हो जाएगा। तो वो खाई ले, वो खाई ले आमार भालो। ओह देख सकते हैं, इतना सारा चिप्स लाई है, बैठ के खुद भी खा रही है, बकरी को भी खिला रही है। अरे मत दो ना उसको, जा जा हट जा हट। तो देख सकते हैं हम वो सुने डैम के पूरा ऊपर ही खड़े हैं। डैम का जो गेट होता है वो उसके ऊपर हम खड़े हैं। अभी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि ना उधर से थोड़ा पानी गिर रहा है, नीचे का व्यू भी देखना जरूरी है। तो देख सकते हैं इधर का जो व्यू है ना वो मस्त आ रहा है, पूरा एकदम पूरा मस्त आ रहा है। क्योंकि ना इधर से लगता है पानी बहुत, मतलब भयानक तरीके से जाता है। पत्थर का हालत देख के थोड़ा अंदाजा हो रहा है पानी इधर बहुत भयानक तरीके से जाता होगा। और ये साइड है डैम, ऊपर से जितना लगा नहीं था लेकिन नीचे से बहुत बड़ा है।
ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेट है उसका। एक गेट हल्का सा थोड़ा सा खुला गया है, ज़्यादा खुला नहीं। इधर का पूरा नज़ारा पूरा अलग टाइप का है, पूरा अलग टाइप का। हमारे ओडिशा के जितने सारे लोग हैं, ये साइट बहुत अच्छा है। इधर आप आओगे रील्स फील्स आलबम फालबम बिंदास बना सकते हैं। इधर देखो वो कास्तोंडी फूल भी है, पीछे साइड व्यू मस्त है। ये जो व्यू है ना वो गुंडीचा खाई की तरह लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो भी बोलो नेक्स्ट लेवल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ क्योंकि ना मौका मिला है, मौके पे थोड़ा चौका भी मारना चाहिए। ये देख सकते हैं पूरा डैम। अरे इधर एक बहुत भयानक चीज़ है, ये क्या है पर आपको तो पता ही होगा, लेकिन मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता, ये बहुत डेंजर होता है। मैं इधर से रिटर्न मारना चाहता हूँ। मौका मिला था चौका मारने के लिए, लेकिन उधर जाके उस चीज़ को मैंने आज पहली बार बहुत पास से देखा। काटता है, बहुत दर्द होता है, इतना मुझे पता है। बचपन में एक दो बार मुझे काटा था, अभी तक उसका दर्द याद है, इसलिए नहीं गया मैं। अच्छा हुआ। गाइस किसी को अच्छा बातें बोलोगे अच्छा नहीं लगेगा, गए थे उधर मधुमक्खी देख के आ गए। इधर से देख सकते हैं पानी का लेवल कितना है, और इधर नीचे देख सकते हैं पानी का लेवल बहुत डाउन है। सोचो ये गेट अगर खुलेगा, वो साइड तो थोड़ा सा खुला गया है इसलिए पानी जा रहा है, लेकिन अगर ये पूरा गेट पूरा खुल जाएगा ना, ये पूरा भूस करके डूब जाएगा, पूरा डूब जाएगा। और हम अभी घर चलेंगे। आज हमारा बहुत घूमना फिरना हो गया, अभी सबको टाटा भाई घूमने का टाइम हो गया। तो आशा करता हूँ सुने डैम आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं और एक बार आऊँगा जिस दिन ये डैम खुला जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब मैं आऊँगा ये थोड़ा जगह महसूस करने के लिए, कैसा होता है कैसा नहीं, ये जब डैम खुलेगा इधर का नज़ारा कैसा होगा कैसा नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब करना मत भूलना। अरे मैं वो बोलता हूँ तुम बोला, हाँ बेल आइकन दबा देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।